करे कि किसी की निंदा करनी है, जब जब हमारा मन ये करे कि किसी का अवगुण देखना है, जब जब हमारा मन ये करे किसी के दुर्गुणों को देखना है, जब जब हमारा मन ये करे किसी की बुराइयों को देखना है, तब तब निश्चित तौर पर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं समझ लेना अपने आप को सबसे पहले देख लेना। आज के संसार में यदि देखा जाए तो लोगों को निंदा करना और निंदा सुनना बड़ा अच्छा लगता है, समझ रहा, किसी की प्रशंसा करना शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, किसी की प्रशंसा सुनना शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, कोई सज्जन के सद्गुणों को सुनना शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन दुर्जन के दुर्गुणों का सुनने में आपको बड़ा आनंद आता है। आज के संसार में करीबन करीबन लोगों को देखा जाए ये महसूस होता है, पता चलता है कि लोगों का निंदा में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और यदि आपके जीवन में भी निंदा में इंटरेस्ट बढ़ रहा हो तो चेत जाना, जाग जाना, समझ लेना, यदि आपके जीवन में भी निंदा करने का, निंदा सुनने का, निंदा में वातावरण में रहने का इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा हो, चार लोग मिलकर किसी की निंदा कर रहे हो और वहां अपने पैर अपने आप थम जाते हो, अपने आप रुक जाते हो, बाजू में बैठ करके कोई किसी की निंदा कर रहा हो और वहां हमारे कान अपने आप पहुंच जाते हो, तो चेत जाना, जाग जाना हमारे लिए ये रेड सिग्नल है। निंदा सुनना, निंदा करना सभी को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शायद जानते नहीं कि निंदा से कितने बड़े नुकसान है, किसी के अवगुण देखने से कितने बड़े नुकसान है, हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है, हमारा जीवन खत्म हो सकता है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि समझ लेना निंदा बहुत बुरी बला है। किसी के अवगुण हम क्यों देखें, हमारे यहां तो यहां तक लिखा गया कि यदि आपको पता चले कि यह व्यक्ति के जीवन में दुर्गुण है, यह व्यक्ति के जीवन में अवगुण है, फिर भी उसकी निंदा नहीं करें, हमारे यहां यहां तक लिखा गया कि आपको पता चले, आपको महसूस हो कि इसके जीवन में दुर्गुण है, इसके जीवन में अवगुण है, ये दुर्जन से दुर्जन इंसान है, फिर भी उसकी निंदा नहीं करनी, क्योंकि निंदा बड़ी खतरनाक है। आपको शायद पता हो क्रिकेट की मैच जो होती है उसमें ज्यादातर क्रिकेटर तीन तरह से आउट होते हैं, इसी तरह से यदि निंदा हमारे जीवन में रह गई तो हम भी तीन तरह का नुकसान कर सकते हैं, तीन तरह से हम भी आउट हो सकते हैं। समझना, अपने आप को देखना और विषय को समझने की कोशिश करना। आज के समय में लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है निंदा के भी, किसी का अवगुण देखने के भीतर, किसी की बुराइयां करने के भीतर लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अपने आप को देखना, अपने आप को निहारना कि यदि मेरा भी इंटरेस्ट निंदा में बढ़ रहा है तो जिस तरह से क्रिकेट की मैच में तीन तरह से व्यक्ति आउट हो सकता है, इसी तरह से जीवन में भी हम तीन तरह से आउट हो सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहला आउट हिट विकेट होता है। हिट विकेट शायद आपको पता हो, अपने आप से खुद आउट होता है हिट विकेट। कई क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेटर मैच में हिट विकेट आउट हो जाते हैं अपने आप से, कहीं ना कहीं अपना पैर स्टंप को टच हो जाता है, कहीं ना कहीं बैट अपना स्टंप को टच हो जाता है और वो आउट हो जाते हैं। सामने वाले की कोई गलती नहीं है, सामने वाले ने कुछ पुरुषार्थ भी नहीं किया, लेकिन हमारी गलती से हम आउट। और इसी तरह से यदि निंदा करने में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा हो तो सबसे पहला नुकसान समझ लेना, हम खुद को ही आउट कर देंगे, हम खुद का ही बिगाड़ेंगे। निंदा करके दूसरों का बाद में बिगड़ता है, खुद का सबसे ज्यादा बिगड़ता है, ये दिमाग में बिठा लेना, ये स्पष्ट रूप से समझ लेना। यदि निंदा करने का हमारा स्वभाव बनता रहा, यदि निंदा में हमारा इंटरेस्ट बढ़ता रहा तो हम दूसरों का तो बाद में बिगाड़ेंगे, खुद का पहले। और इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि समझ लेना बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को। कितनी बड़ी बात कबीर जी ने लिखी कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल भीतर देखिया तो मुझसे बुरा नहीं। सबसे पहला नुकसान खुद का नुकसान।
हृदय हमारा खत्म हो जाता है। अवगुणों को देखते 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 हमारे भीतर इतने अवगुण पैदा हो जाते हैं, हमारे भीतर इतने अवगुण आ जाते हैं, हम खुद को आउट कर देते हैं। इसलिए जिस तरह से क्रिकेट में पहला हिट विकेट आउट होता है, खुद को हम खुद आउट कर लेते हैं, इसी तरह से यदि निंदा की हमारी भावना बनी रही तो समझ लेना मुझसे बुरा नहीं कोई। संसार में हमारे जितनी बुराइयां हमारे में प्रवेश कर लेंगी उतनी शायद किसी में दिखाई। दूसरी बात, कई क्रिकेटर बोल्ड हो जाते हैं, कई क्रिकेटर बोल्ड हो जाते हैं। दूसरी बात, दूसरे नंबर की बात करें तो कई क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो बोल्ड आउट हो जाते हैं, स्टंप पे कहीं ना कहीं बॉल टच हो जाती है, बॉलर बॉल डालता है, हम बॉल को भांप नहीं पाते, बॉल को जांच नहीं पाते, बॉल को देख नहीं पाते, कहीं ना कहीं दृष्टि भ्रम होता है। समझना, आदमी बोल्ड तब ही होता है जब उसमें कहीं ना कहीं दृष्टि का प्रभाव, वो समझ नहीं पाए बॉल को, समझ पाए तो बॉल ऊपर जा सकता है, लेकिन समझ न पाए तब बोल्ड आउट होता है। निंदा करने से पहला हमारा हृदय खत्म हो जाता है, दूसरे नंबर में हमारी दृष्टि खत्म हो जाती है। जो दृष्टि अच्छा देख सकती है वो दृष्टि जीवन भर बुरा देखती। यदि हमें आदत पड़ गई बुरा देखने की, यदि हमें आदत पड़ गई बुराइयों को देखने की, यदि हमें आदत पड़ गई बुराइयों के सामने दृष्टिपात करने की, तो समझ लेना जो दृष्टि से परमात्मा के दर्शन भी हो सकते हैं, वही दृष्टि से दुर्जन के दुर्गुण भी हम देख सकते हैं। दृष्टि में दोनों ताकत है, हमें अच्छाई भी दिखा सकती है, हमें बुराई भी दिखा सकती है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट बुराई की ओर बढ़ता गया, यदि हम बुराई की ओर आगे बढ़ते गए तो हमारे हालात ये हो जाएंगे कि हमें संसार में हर जगह बुराई दिखती रहेगी। मंदिर में जाएंगे तो भी लगेगा यहां भी बराबर नहीं, गुरु के पास जाएंगे तो लगेगा कि गुरु भी बराबर नहीं, माता पिता के जीवन को देखेंगे तो लगेगा इनका जीवन भी बराबर नहीं, अपने सगे स्नेही संबंधियों के जीवन को देखेंगे तो लगेगा कि ये भी तो बराबर नहीं। संसार में हर जगह हमें नुक्स निकालने की आदत पड़ जाएगी, और कई लोगों को होती है, वो संसार में एक ही काम करते हैं, हर जगह कहां से नुक्स निकाला जाए, कहां से माइनस पॉइंट ढूंढा जाए। संसार में कई लोग इसी के लिए है, उनका काम यही है, सब अच्छा चल रहा हो, सब सुव्यवस्थित चल रहा हो, तब ये सोचते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हम खोट कैसे निकाल ले, कहीं ना कहीं नुक्स कैसे निकाल ले। ये मेंटालिटी लेकर जो लोग जीते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं समझ लेना, मैं कई बार कह चुका हूं कि एक व्यक्ति में गलती हमें पता चले, एक व्यक्ति में दुर्गुण हमें दिखाई पड़े, वो व्यक्ति से बात करो, लेकिन संसार के हर व्यक्ति में दुर्गुण दिखाई पड़े तो अपने आप से बात करो, क्योंकि तकलीफ यहां पे है। एक में दिखाई पड़े ठीक है, दो में दिखाई पड़े ठीक है, लेकिन 100 में दिखाई पड़े तो समझना कि तकलीफ हमारे भीतर है, बाहर कहीं नहीं। कोई क्रिकेटर हिट विकेट आउट हो जाता है, खुद को आउट कर लेता है, इसी तरह निंदा से हम खुद का नुकसान कर लेते हैं, हमारा हृदय खत्म कर लेते हैं। कोई क्रिकेटर बोल्ड आउट हो जाता है, उसको दृष्टि भ्रम हो जाता है, वो बॉल को भांप नहीं पाता, बॉल को समझ नहीं पाता, और स्टंप उड़ जाते हैं, आउट हो जाता है, पेवेलियन की ओर जाना पड़ता है। इसी तरह से निंदा से दूसरा नुकसान हमारी दृष्टि को है, हमारी देखने की क्षमता खत्म हो जाती है, अच्छा देखने की ताकत हमारी खत्म हो जाती है। और तीसरा आउट होता है कैच आउट, कई क्रिकेटर कैच आउट हो जाते हैं। कैच आउट होने वाले क्रिकेटर ने मारा तो यह सोच के होता है कि सिक्स जाएगा, मैदान बाउंड्री के बाहर निकल जाएगा, लेकिन होता क्या है, वो भ्रमणा में रह जाते हैं और कैच आउट हो जाता है। इसी तरह से निंदा करने वाला यह सोचता है, निंदा करने वाला यह सोचता है कि मैं निंदा करता हूं किसी को पता नहीं चलेगा। समझना, निंदा करने वाले की मेंटालिटी ये होती है कि मैं करूं कानों कान किसी को पता नहीं चले। और मजे की बात देखो, आप जिसको भी बोलते हो उसको कहते हो देखना अपने दोनों के बीच बात रखना, बात आगे मत बढ़ाना। वो तीसरे को बोलता है तो उसको भी यही कहता है अपने दोनों के बीच बात रखना, बात आगे मत बढ़ाना, पूरे शहर में बात पता चल जाए। लेकिन सब एक दूसरे को कहते तो यही है कि अपने दोनों के बीच रखना, किसी को पता ना चले। निंदा भी करनी है, किसी को पता भी न चले। हम ये सोचते हैं कि निंदा करे किसी को पता न चले, जिस तरह से
क्रिकेट में कैच आउट होने वाला खिलाड़ी यह सोचता है कि सिक्स जा रही है, लेकिन हो क्या जाता है, आउट हो जाता है। इसी तरह से निंदा करने वाला यह सोचता है कि किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन पता नहीं उसको कि सबको पता चल रहा है, सब समझ रहे हैं। और इसीलिए हिट विकेट यानी हृदय का नाश, हृदय हमारा खत्म हो जाता है, हृदय में अवगुण आ जाते हैं। बोल यानी दृष्टि का नाश, दृष्टि हमारी खत्म हो जाती है। अच्छा हम देख नहीं सकते, अच्छाइयों के सामने हम दृष्टिपात नहीं कर सकते। और तीसरे नंबर में कैच आउट यानी हमारे यश का नाश, हमारा यश भी खत्म हो जाता है, हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है वो भी तो खत्म हो जाती है निंदा करते करते। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में सब कुछ कर लेना लेकिन किसी की निंदा नहीं, बड़ी खतरनाक है। और निंदा में नुकसान ही नुकसान है और प्रशंसा में फायदा ही फायदा है, समझना। यदि आप किसी की अनुमोदना कर सकते हो, किसी की प्रशंसा कर सकते हो, किसी के गुणानुवाद कर सकते हो तो जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें फायदा ही फायदा है। गुणों को जितना देखते जाएंगे हमारे भीतर गुणों का प्रवेश होता जाएगा, और दुर्गुणों को जितना देखते जाएंगे हमारे भीतर दुर्गुणों का प्रवेश होता जाएगा। हमारे गुरु प्रेम तो यहां तक कहते थे, अपने सभी गुरु भक्तों को चेताते थे, अपने सभी गुरु भक्तों को बताते थे, अपने सभी गुरु भक्तों को कहते थे कि समझ लेना, यदि आप कोई साधु के पास जाओ और साधु दूसरे साधु की निंदा करता आपको दिखाई पड़े तो वो साधु के पास भी दूसरी बार नहीं जाना। यदि कोई साधु दूसरे साधु की निंदा करता है उसके पास भी कभी नहीं जाना। आजकल के श्रावक श्राविकाएं साधु साध्वी के जीवन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए, उनके जीवन में ये होना चाहिए, उनका जीवन ऐसा होना चाहिए, उनको ये इस्तेमाल करना चाहिए, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं उन लोगों को एक ही सवाल करता हूँ, क्या भगवान ने सभी नीति नियम मात्र साधु साध्वियों के लिए बताए या आपके लिए भी कुछ बताया? यहाँ जितने श्रावक बैठे हैं कितने उसमें से ऐसे हैं कि बार व्रत की आराधना करते हैं, कितने ऐसे हैं जो 14 नियम लेकर के बैठे हुए हैं? आप कौन से हिसाब से साधु साध्वी के पास जाकर बात कर सकते हो? आप व्यापार में अनीति करो कोई बात नहीं, आप किसी का बुरा कर लो कोई बात नहीं, आप किसी के साथ गलत करके करोड़ों रुपए कमा लो कोई बात नहीं, आप बाजू में मंदिर हो फिर भी भगवान के दर्शन करने ना आओ कोई बात नहीं, आप शाम की संध्या समय की आरती में ना पहुंचो कोई बात नहीं, आप हफ्ते में एक बार पूजा ना करते हो कोई बात नहीं, आपके पास लाखों करोड़ रुपए हैं लेकिन फिर भी 1,00,000 रुपए डोनेशन देने का मन ना होता हो कोई बात नहीं, और फिर भी हम साधु साध्वी के जीवन के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे कि नहीं महाराज साहब को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जीवन में खुद को तो देख कभी, परमात्मा ने मात्र साधु साध्वियों के लिए नीति नियम नहीं बताए, हमारे लिए कठिन बताए तो आपके लिए सरल भी तो बताए, आप तो सरल का भी पालन नहीं करते। शायद यहां किसी को खड़ा कर दूं कि 12 व्रत के नाम बोलो, दो लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिसको 12 व्रत के नाम आते हो, पालना करने की तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, हमारे गुरु प्रेम कहते थे कि निंदा सबसे बुरी है। और यह भी समझ के रख लेना, यदि कोई साधु साध्वी दूसरे साधु साध्वी की निंदा करते हो उनको छोड़ देना, वो हमारे लिए हितावह नहीं। आज कई साधु प्रवचन के पाठ के ऊपर से बोलते हैं, ये गच्छ ऐसा है, ये समुदाय ऐसा है, इनमें ऐसा है, इनमें ऐसा है। अरे मैं कहता हूं, जब इंद्रभूति गौतम परमात्मा महावीर के पास गए तब भी परमात्मा ने ये नहीं कहा था कि गौतम तू जो वेद पढ़ा है वो वेद गलत है, परमात्मा ने ये कहा था कि तेरी समझ गलत है, वेद तो अपने स्थान पर सही है। हर चीज हम तो अनेकांतवादी है, हमारी दृष्टि बदलनी है, और क्या बदलना है, हर चीज सही है संसार में। एक बेटा किसी के लिए अपना बेटा भी हो सकता है, किसी के लिए भांजा हो सकता है, किसी के लिए भतीजा हो सकता है, किसी के लिए पोता हो सकता है, हर एंगल से सही है। वो कहे मेरा पोता है, हम ये नहीं कहेंगे कि तू गलत है, तेरे एंगल से पोता है, मेरे एंगल से बेटा है। हम तो अनेकांतवाद में जीवन जीते हैं, हमारा जीवन अनेकांतवाद वाला है, हम कैसे कह दें कि कोई गलत है।
और इसीलिए मैं आपको चेताता हूँ, आपको बताता हूँ, जहां आपको पता चले कोई साधु प्रवचन की पाठ के ऊपर बैठ के गच्छ की बात करता है, पंथ की बात करता है, अरे गुरुदेव प्रेम श्रीश्वर जी महाराज साहब एक ऐसे तपा गच्छाधिपति गुरुदेव थे, चाहे स्थानकवासी, चाहे तेरापंथी, चाहे दिगंबर, चाहे खरतरगत, चाहे तपागत, चाहे पायचंदगत, चाहे अचलगत, चाहे तीन थो, चाहे चार थो, कोई भी हो, आज के समुदाय जितने भी है सभी गुरुदेव के पास आते थे, क्योंकि गुरुदेव एक ही चीज कहते थे कि मकान के अंदर, मंदिर के अंदर चाहे हम अलग हो, लेकिन जब गेट के बाहर निकल जाए तो हम सब एक है, ये हमारा नारा लगना चाहिए। साधु साधु की निंदा करेगा, आप लोग साधु की निंदा करोगे, साधु साध्वी के लिए बोलोगे, जीवन में बचेगा क्या, एक बार जरूर देख लेना। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर समझ लेना कि निंदा में नुकसान ही नुकसान है और अनुमोदना में फायदा ही फायदा है। जीवन में कोशिश करो किसी की अनुमोदना ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन निंदा तो कम से कम किसी की नहीं करनी, सज्जन की नहीं, संत की नहीं, अरे मैं कहता हूं दुर्जन की भी मत करो। निंदा करके नुकसान हमारा है, अवगुण देखो करके नुकसान हमारा है। जीवन में जितनी कर सको उतनी प्रशंसा करो और फिर देखो आपके जीवन में कितने सद्गुणों का प्रवेश होता है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।